हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दो शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। दोनों कंपनी सेम वर्क करती है, ओके, सेम काम है, सेम प्रोडक्ट्स यूज बनाती है, ओके, एंड उनमें से एक कंपनी मिड कैप की है, एक कंपनी स्मॉल कैप की है। जैसे कि आपको पता ही है कि दो दिन पहले फ्राइडे को, ओके, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ मार्केट, सेबी का एक रूल आया था जो कि मैं आपको अब दिखा देता हूँ। सेबी का एक रूल था कि सेबी लिस्ट ऑप्शंस मल्टी कैप फंड्स हैव टू कंप्लाई विद न्यू रूल्स, ओके। इस वजह से कुछ खलबली मार्केट में हो गई है, तो उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, प्लस में उन दो शेयर से रिलेटेड बात करने वाले हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है, ओके, और हो भी रहा है काफ़ी टाइम से। तो ऐसे ही कुछ शेयर से रिलेटेड हम दो बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके। तो आइए पहले तो एक रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि रूल्स था क्या। तो मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं? तो मल्टी कैप फंड्स में एक्चुअली चार फंड्स आते हैं। एक आता है आपका लार्ज फंड्स, ओके, लार्ज कैप, जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज। एक आती है मिडिल कैप कंपनीज, एक स्मॉल कैप कंपनीज, ओके, एज वेल एज एक आता है मल्टी कैप, मतलब उसमें आप कैश वगैरह भी रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं, या फिर आप अपना फंड अपने इस हिसाब से कुछ मैनेज करना होता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि एक रूल था इसका। तो इस ये रूल किसके लिए अप्लाई था? ये रूल था म्यूचुअल फंड्स के लिए। एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स होता क्या था कि म्यूचुअल फंड अपना सारा का सारा पैसा लार्ज कैश कंपनी में रख देते थे, जिस वजह से, ओके, जो छोटी छोटी कंपनीज थी उसमें उनका फंड कम रहता था और लार्ज कैप में ज़्यादा रहता था। बट सेबी का रूल आया है उसके अकॉर्डिंग कि 75% जो उनका पैसा है, ओके, वो इन तीन सेगमेंट में डिवाइड होना चाहिए। मतलब 25% आपका होना चाहिए लार्ज कैप में, 25% मिडिल कैप में, 25% होना चाहिए स्मॉल कैप में। तो और बाकी का 25% आप कैश रखना चाहते हैं या फिर आप लार्ज कैप में रखना चाहते हैं, ओके, ये आपकी डिसीजन है। इस तरीके का एक उन्होंने एक बना सेबी ने एक रूल निकाला है, ओके, जो कि जनवरी में अप्लाई हो जाएगा, तब तक ये सबको करना होगा। तो कुछ ऐसे शेयर हैं, ओके, तो अब होगा क्या कि मिडिल कैप और स्मॉल कैप कंपनी में भी उन्हें शेयर, जहाँ पर वो केवल 2% 5% इन्वेस्ट करते थे टोटल उनकी अमाउंट का, अब वो 25% करना होगा। तो बहुत सारी कंपनी लार्ज कैप में ही डालती थी पैसे, क्योंकि उसमें से रिस्क बहुत कम रहता है, और ये मिडिल कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से अब उन शेयरों जो मिडिल कैप और स्मॉल कैप के शेयर हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है उन शेयर्स में। तो उसमें से भी अच्छे अच्छे शेयर्स हमें पिक करने हैं। तो ऐसे ऐसे शेयर्स के रिलेटेड मैं आपके पास अब आजकल इसी तरीके की वीडियो आपको डालता रहूँगा कि कौन सा शेयर है, उनका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। तो ऐसे ही दो शेयर मैंने आपको अभी चूज़ करे, ओके, तो उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, ओके, और ये होता क्या है लार्ज कैप स्मॉल कैप और मिडिल कैप, ओके, ये होता क्या है। तो इससे रिलेटेड हम मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ओके, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा कि आपको एक आइडिया आ जाएगा, जिन्हें नहीं पता कि होता क्या है एग्जैक्टली, ये लार्ज कैप कहते हैं, ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, मिडिल कैप कंपनी कहते हैं, और स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं, माइक्रो कैप कंपनी कहते हैं। तो होता क्या है, ऐसे शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं आगे चल के, आगे एक वीडियो बनाऊंगा उसमें। तो अभी एक दो शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आइए दो शेयर से रिलेटेड जो बातें हैं आइए देख लेते हैं। एक है GMM Pfaudler लिमिटेड। तो ये GMM Pfaudler एक कंपनी है, ओके, करती क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ सीधे। तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक कंटेनर बनाता है, देख, द DINAE सीरीज रिएक्टर आर ए मल्टीपर्पज रेंज ऑफ रिएक्टर इन अ टू पीसेस कंस्ट्रक्शन विद द मेन कवर क्लैम्प टू द बेसिक यूनिट, द स्टैंडर्ड रेंज एक्सटेंडेड 463 लीटर्स टू 6300 लीटर्स नॉमिनल कैपेसिटी। तो ये एक्चुअली एक कंटेनर बनाता है, ओके, जिसमें जो दोनों कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ कि एक कंटेनर बनाती है कि वो प्रोडक्ट्स ले जाने के लिए या उसमें कुछ केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये कंटेनर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट जैसे कि सामने दिखाई दे रहे हैं, ग्लास लैंड इक्विपमेंट, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग, मिक्सिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम, हैवी इंजीनियरिंग, एसिड रिकवरी, GMM कस्टमर स्टोरेज। तो आपको बताना चाहता हूँ एक बार इसकी
कंपनी, एक विकिपीडिया में जाइए कंपनी के बारे में, एक बार आप भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। ओके, इससे रिलेटेड भी अगर आप चाहेंगे तो इस कंपनी से रिलेटेड अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा। ओके, बना ही दूंगा मैं इससे रिलेटेड, तब इसके बारे में बात कर लेते हैं। बट अभी दो शेयर से रिलेटेड बातें करनी है, वरना लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं सीधे शेयर के बारे में। तो GM फॉडलर लिमिटेड, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा, आज ही लगभग 5% की जंप, मतलब 280 पॉइंट्स की जंप, और शेयर का प्राइस है 5880.05 रुपीज़। तो आपको बताना चाहता हूँ 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। ओके, लगभग सेम रेंज में घूम रहा है। 1 मंथ का देख लीजिए। ओके, ये अभी कुछ दिन पहले लगभग 7,000 रुपये तक ये शेयर गया हुआ था, मतलब 6,900। 6 मंथ का देखिए, ये शेयर 6 मंथ पहले केवल जब मार्केट गिरी हुई थी मार्च में, ये 1900 और 2000 रुपये का शेयर मिलता था। 1 ईयर में देख लीजिए क्या परफॉर्मेंस है, 1 ईयर का देख लीजिए, 5 ईयर्स का देख लीजिए, और मैक्सिमम देख लेते हैं। ओके, ये लिस्ट हुए 2018 में, ये लिस्ट हुई है। ओके, इसमें NSE में, तो आप देखिए 700 रुपये का शेयर 2 साल में क्या 6,000 रुपये के लगभग 7,000 रुपये तक ये शेयर पहुँचा था। तो कितना बेहतरीन शेयर है आप देख सकते हैं। ये एक बताना चाहता हूँ, ये एक मिडिल कैप कंपनी का शेयर है जिसकी मार्केट कैपिटल लगभग 8,388 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैपिटल है। ओके, तो इस शेयर के रिलेटेड और बातें कर लेते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, फेस वैल्यू 2 रुपये की है, इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में काम करता है उसका 68.2 है, और इसका PE रेशो 128.22 है। ओके, PE रेशो, और 52 वीक लो इसका 7 अक्टूबर 2019 को था, 1316 रुपये की में शेयर मिल रहा था, और 12 अगस्त को लगभग 6900 में ये शेयर मिल रहा था। तो आपको बताना चाहता हूँ, ये अभी 12 अगस्त को 7,000 रुपये तक गया था। और डिलीवरी क्वांटिटी की आज की बात कर लेते हैं, तो लगभग 41.23% तक की डिलीवरीज आज की डेट में ही उठाई गई है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में बात कर लेते हैं, तो देखिए 75% शेयर होल्डर प्रमोटर्स के पास है, बाकी 25% अपने पब्लिक के पास। और देखिए डिविडेंड हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है, 2019 में 2 बार दिखाई दे रहा है, और 2020 में ही इन्होंने 3 बार अभी तक डिविडेंड दे दिया। अभी 20 तारीख को ही 19 तारीख को ही इन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड फिर दोबारा दिया है, और कोई भी शेयर इनका प्लेस नहीं है, तो सबसे अच्छी बात यह है। और इसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए 1 डे में 5%, 1 वीक में 4%, 1 मंथ में 1.84%, 3 मंथ्स में देखिए 32, 6 मंथ में देखिए 111, मतलब पैसे आपके डबल। ओके, और ईयर 1 साल में देख लीजिए 300% के रिटर्न 1 साल में, 2 साल में 425। ओके, इस तरीके से देखिए 10 साल का भी अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 10 साल में इस कंपनी ने 5,015.17% तक के रिटर्न इसमें कंपनी ने दिए। तो देखिए कितनी बेहतरीन कंपनी है, कितना अच्छा इसने रिटर्न दिया, और इसके प्लान्स भी कुछ बेहतरीन आगे आने वाले हैं। तो ये शेयर 5,000 से 15,000 भी हो सकता है, नो डाउट। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें इस चीज़ से रिलेटेड हम बातें करेंगे। ओके, आइए और इसके बारे में शेयर होल्डिंग पैटर्न के देख लेते हैं। तो जैसे कि बता ही चुका हूँ, प्रमोटर्स के पास 75% फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 0.60% से, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी घटा दी है 0.06% से, इंश्योरेंस कंपनी इसमें हिस्सेदारी नहीं रखती, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने की 0.15% की हिस्सेदारी, और नॉन इंस्टीट्यूशनल की 22.03% की। तो काफ़ी अच्छा इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। आइए दूसरी कंपनी के बारे में हम सीधे बात कर लेते हैं। दूसरी कंपनी इसी सेगमेंट में काम करती है, उसका नाम है HLE ग्लासकोट लिमिटेड। ये स्मॉल कैप की कंपनी है, और लगभग 2200 मतलब 2200 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो बताना चाहता हूँ जो ये अपनी GMM फॉर्डलर है, ओके, इसमें रिस्क भी है क्योंकि मिडिल कैप कंपनी है, तो रिस्क भी है रिवॉर्ड भी है। अगर भागेगा तो बहुत अच्छी तरीके भागेगा, गिरेगा तो बहुत अच्छी तरीके से गिरेगा। इसके अलावा HLE की बात कर लेता हूँ, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, तो ये अगर भागता है तो इतना भागता है कि हाथ भी नहीं आएगा। ओके, और जब गिरेगा तो ये 1700 रुपये की कंपनी केवल 17 रुपये की भी रह सकती है, तो इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट सेम कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसका कारोबार भी है। ओके, तो इस वजह से आजकल ये 1715 रुपये की आपको शेयर दिखाई दे रहा है। 5 डेज़ पहले देख लीजिए 1600 रुपये का शेयर था। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, तो ये 1 मंथ पहले मतलब 17 अगस्त को, ओके, 1349.70 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था। ओके, और आज की डेट में देख लीजिए 1700 रुपये। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 442 रुपीज़ का ये शेयर आपको 25 मार्च को मिल रहा था, और आज
मतलब 400% तक का रिटर्न इसने आपको 4 गुना पर रिटर्न दे चुका है। 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। ओके, 1 ईयर में ये 119 रुपये का ये शेयर मिलता था, और आज देख लीजिए क्या रिटर्न है। मैक्सिमम देख लेते हैं एक बार सीधे, तो 2006 में ये कंपनी है 9 रुपये में मिलती थी, और आज 1715 रुपये में। तो आपको बताना चाहता हूँ ये केवल आपको BSE में दिखेगा। ओके, NSE में लिस्ट है नहीं, तो इसे जब भी चेक करिए तो BSE में चेक करिएगा। एज वेल एज के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, तो आपको रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ कि 1 ईयर में इसने रिटर्न क्या दिए। 800% तक के रिटर्न है 1 ईयर में। ओके, एज वेल एज आपको 10 ईयर्स में दिखाता हूँ, तो 10 ईयर्स में 3564% तक के रिटर्न इस कंपनी ने दिए। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। ओके, अभी तो इसका काफ़ी भाग चुका है शेयर, तो आप इस पर नज़र बनाइएगा। तो जब ये रूल चेंज हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन कंपनी दिखाई दे रही है। तो वो भी म्यूचुअल फंड जब चूज़ करेंगे कंपनी, तो इस हिसाब से चूज़ करेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है। तो ये इस कंपनी पे भी आप नज़रें बना के रखिएगा। एज वेल एज इसके प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देख लेते हैं, तो प्रोमोटर्स के पास 74.245% की हिस्सेदारी है। ओके, और कोई भी इनका शेयर प्लेज नहीं है। ओके, एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, अदर DIs, कोई भी इसमें अभी अपनी हिस्सेदारी नहीं रखता है। बट शायद ये फिगर चेंज हो सकता है, क्योंकि ये रूल्स के हिसाब से, और ये 3-4 महीने में कि जब ये रूल्स अप्लाई होगा विद इन दैट पीरियड, कभी भी ये हिस्ट्री चेंज हो सकती है। नॉन इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, तो लगभग 25.75% तक की हिस्सेदारी है यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशन की। तो काफ़ी इन दो शेयर से रिलेटेड मुझे बात करनी थी। ओके, तो ये रूल्स, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ये न्यूज़ क्या आई थी, इस वजह से ही ये सब चीज़ इन शेयर्स के बारे में आपको बताना पड़ रहा है। और अच्छा भी, अच्छे शेयर्स भी है, मुझे इन पे काफ़ी टाइम से वीडियो भी बनानी थी। ओके, और इसके GM फॉलोअर से बेसिस पे के ऊपर तो मैं एक अलग से एक इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, उस वीडियो के ऊपर भी आपको जब आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इन दो शेयरों के ऊपर आप ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, काफ़ी अच्छे शेयर है, और काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न फ्यूचर में दे सकते हैं। ओके, बट इनमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हैं। ओके, RRR साथ में चलते हैं दोनों कंपनी के साथ में, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप कंपनी है। भागेगी बहुत तेज भागेगी, गिरेगी तो भी बहुत तेज गिरेगी, क्योंकि 6,900 रुपये का शेयर हुआ करता था 1 महीने पहले, और किस तरीके से गिरा है। ओके, 5,000 रुपये तक बीच में आ गया, तो लोगों एक बार डर भी जाते हैं। तो इन कंपनी में पैसे लगाना मतलब जिगर का काम होता है। तो अगर आपको इस तरीके की ये वीडियो मेरे पसंद आया हो, तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। ओके, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।